हाई एवरी वन सो वेलकम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कोडिंग इंटरव्यू सीरीज सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिम प्रोडक्ट सब ए रहे हैं गिवन एंड एरे दैट कंटेन्स एंड इंटीजर्स मे वी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैक्सिमम प्रोडक्ट सब ऐर तो क्वेश्चन क्या है कि हमें एक ये एरे दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है तो हमें एक ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट मैक्सीम हो ठीक है तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैक्सिमम प्रोडक्ट सबैर है एक ऐसा सबैर सब है जिसका सम मैक्सिम हो ठीक है तो हम देखते हैं क्वेश्चन को तो क्या मतलब इस इसमें क्या है अगर हम सबैरि सब फाइन कर तो इस, इसका सम इसका फर्स्ट अगर मई से स्टार्ट करते हैं ठीक है तो क्या होगा इसका प्रोडक्ट कितना होगा सिक्स फिर इसका और इसका माइनस एटीन फिर इसका और इसका वन और फिर ये ज़ीरो हो जाएगा और फिर ज़ीरो इंटू टू ये भी ज़ीरो ही रहेगा फिर अगर मतलब अगर हम इन तीनों को देखें तो क्या हो जाएगा ये सब भी जीरो हो जाएगा मतलब जीरो के साधन तो जीरो हो गया तो अब हमें मतलब बस एक ऐसा तो इसका आंसर क्या हुआ इसका आंसर हो गया वन एटी राइट ये वाला वह सबैर है जिसका मैक्सिमम प्रोडक्ट है ठीक है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या मतलब दो तरीके हो सकते हैं एक तो सिंपल ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तो ब्रूट फोर्स में क्या है पहले हमने शुरू से स्टार्ट किया एक फोर लूप यहाँ पे लगा दिया और एक फिर नेक्स्ट इंडेक्स है तो दोनों को बस प्रोडक्ट सारे सबैरे निकाले काइंड ऑफर चलते गए तो क्या क्या बना एक सब सबेरे ये बना एक ये बना और एक ये बना ऐसे ऐसे करके हमने सारे सवैरे बना लिए राइट ये ये और ये मतलब ऐसे करके हमने सारे सवैरे बनाते गए और उसमें से जो भी मैक्सिमम एक वेरिएबल बना लिया मैक्सिमम आंसर करके जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट और बस फाइनली वही रिटर्न करते हैं ठीक है तो ये सिंपल सा एक सॉल्यूशन हो गया ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जिसमें हम सारे सवैरे निकाल रहे हैं और पर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर राइट क्योंकि हम दो फोर लूप लगा रहे एक शुरू वाले पे फिर आगे सारे सब सवेरे निकालेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स से फिर इसने इंडेक्स पे आएंगे फिर आगे वाले सभी इंडेक्स पे ठीक है तो वो बिग ऑफ एनस्कयर हो गई तो इसका एक और सॉल्यूशन भी है जिसको हम बिग ऑफ जो बिग ऑफ एन में इसको सॉल्व कर देगा तो क्या कर रहे हैं हम तो एक एम ए और एम आई करके एक वेरिएबल ले लिए तो एम ए में क्या है हमेशा हमारा मैक्सिमम मतलब हम हमेशा मैक्सिमम स्टोर करेंगे एम ए में और एम आई में हमेशा मिनिमम और आंसर में हमारा फाइनल मैक्सिमम प्रोडक्ट जो भी होगा ठीक है तो एम ए में हमारा मैक्सिमम है तो आंसर आंसर हमारा ये हो जाएगा हम आंसर को अपने ऐसे लिख सकते हैं कि मैक्स ऑफ आंसर कोमा एम ए ठीक है क्योंकि एम ए में हमेशा मैक्सिमम स्टोर करे और आंसर में भी मतलब आंसर में वही स्टोर करेंगे ठीक है जो भी मैक्सिमम होगा तो पुराना वाला आंसर मैक्स या फिर करंट वाला ठीक है तो अभी मैं बता दूँ कि कैसे काम करें तो शुरू में मतलब एक फॉर्मा लिख सकते हूँ मतलब एम तो हम क्या करेंगे हम अपने फर्स्ट मतलब इस इंडेक्स से शु, तो शुरू में क्या होगा अगर लाइट से कि हमारे पास एक एरे दिया जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है सिक्स तो उसमें आंसर क्या होगा हम राइट मैक्सिमम भी वही होगा मिनिमम भी वही होगा और आंसर भी वही होगा ठीक है तो फिर हम शुरू में एम एम आई और आंसर में वो जीरो एलिमेंट डाल देंगे ठीक है फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इंडेक्स से शुरू करेंगे और हम क्या करेंगे एम एम ए का फॉर्मूला क्या होगा कि एम ए होगा हमेशा मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ आई मतलब ए ऑफ आई कोमा एम ए इंटू ए ऑफ आई इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि लेट्स हम इस नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गए तो नेक्स्ट इंडेक्स पे मैक्सिमम क्या है मतलब इस इंडेक्स पे मैक्सिमम क्या होगा या तो हमारा सिंपल मतलब ये खुद ये वाली क्या पता हमारा पीछे से नेगेटिव आ रहा है और ये वाली मतलब लाइट से पीछे वाला माइनस फोर ये लाइट से माइनस सिक्स है तो क्या हो सकता है ये वाला मैक्सिमम प्रोडक्ट हुआ ना हमारा ठीक है तो हम क्या करें एम ए में, में हमेशा ये स्टोर करें कि मैक्स ऑफ या तो ये करंट मतलब क्या पता हमारा सवेरे यहीं से स्टार्ट हो रहा हो राइट तो ये वाला या फिर पीछे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हम सवेरे निकाल रहे हैं ठीक है तो या तो ये खुद हो सकता है मैक्सिमम या फिर पीछे वाले के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए ऑफ आई कोमा एम ए इंटू ए ऑफ आई ठीक है और एम आई में क्या होगा एम आई में हम हमेशा मिनिमम स्टोर करेंगे तो एम आई में भी सेम रहेगा पर हो जाएगा मिनिमम ऑफ ए ऑफ आई कोमा एम आई इंटू ए ऑफ आई ठीक है ये हो गया और आंसर का हमने बताया दिया कि आंसर में हम क्या करेंगे आंसर हमेशा मैक्सिमम ऑफ आंसर को हम एम ए तो लेट्स से कि मतलब अगर हम ये वाला देखें तो इसमें हम लेट्स से हम फर्स्ट इंडेक्स में से सिक्स आ गया माइनस थ्री पे आए तो यहाँ पे बता रहा है कि माइनस थ्री या तो माइनस थ्री या फिर सिक्स इंटू माइनस थ्री तो माइनस एटीन तो माइनस थ्री एम ए में रहेगा तो और हमारे आंसर में पहले से सिक्स है ठीक है तो हमारा आंसर वो सिक्स ही रहेगा तो हमेशा मैक्सिमम ही रहेगा हमारे आंसर में स्टोर तो और एम ए में, में करंट सब एरे तक मतलब यहाँ तक सब एरे लेके कितना मैक्स हो रहा है और एम आई में, में मिनिमम ठीक है और ठीक है तो अभी इसको एक बार इससे सॉल्व करते हैं ठीक है तो पहले दोनों में सिक्स सिक्स डाल दिया फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे तो हमें एक कंडीशन वो लगानी है हमें चेक करना है कि इफ़ इफ़ जो भी एरे ऑफ आई है ठीक है वो लेस देन जीरो है मतलब वो नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे तो हम एम ma ए और एम आई को स्वैप कर देंगे स्वैप कर देंगे एम ए कोमा एम आई तो ये मैं बता दूँ क्या मतलब क्यों होगा तो लाइट से कि अभी दोनों छः छः ही है तो मतलब स्वैप करेंगे तो एम ए भी सिक्स रहेगा और एम ए बी सिक्स ही रहेगा ठीक है और फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गए तो फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे मतलब माइनस थ्री है तो अभी एम ए की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ क्या होगा ये करंट uh, इंडेक्स है माइनस थ्री कोमा सिक्स इंटू माइनस थ्री ये हो जाएगी और इसमें से मैक्सिमम क्या है माइनस थ्री तो एम में, में आ जाएगा माइनस थ्री सिमिलरली इसमें आएगा मिनिमम ऑफ माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री कोमा सिक्स इंटू माइनस थ्री तो इसमें क्या आएगा माइनस एटीन आ जाएगा ठीक है माइनस एटीन फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे तो नेक्स्ट इंडेक्स फिर से वो हो गया लेस देन ज़ीरो तो स्वैप करेंगे तो स्वैप करेंगे तो एम में, में क्या आएगा माइनस और एम में, में क्या जाएगा माइनस थ्री ठीक है फिर अब फिर अब अभी हम माइनस टेन पर ठीक है ये स्वैप करने के बाद ये वाली कंडीशन लगेगी मतलब ये ऊपर आएगा मतलब जैसे हम नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ रहे तो हम पहले ही वो चेक करेंगे ठीक है तो ये होगा फिर इसके बाद ये तो अभी एम ए में क्या आएगा माइनस टेन पे तो मैक्सिमम ऑफ ए ऑफ आई क्या है माइनस टेन और एम ए कितना है हमारा एम ए अभी माइनस एटीन हमने स्वैप कर दिया राइट तो माइनस एटीन इंटू ये क्या है माइनस टेन ठीक है तो ये क्या जाएगा माइनस टेन या फिर माइनस एटीन इंटू तो माइनस टेन हो गया वन एट्टी ठीक है तो ये हो गया हमारा वन एट्टी और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे भी इसमें माइनस टेन और अभी इसमें माइनस थ्री है एम आई में तो एम आई होगा माइनस थ्री इंटू माइनस टेन तो ये क्या होगा थर्टी और ये रहा माइनस टेन तो ये एम आई रह जाएगा माइनस टेन ठीक है क्यों मिनिमम मिनिमम तो ये थर्टी हुआ और माइनस टेन तो माइनस टेन ठीक तो हम आंसर अपडेट करना भूल गए थे पहले तो मतलब पहले तो क्या ही होता मतलब यही था कि एक में माइनस एटीन था एक में माइनस थ्री था तो फिर आंसर तो सिक्स ही रहता ठीक है नेक्स्ट स्टेप पे आए तो अभी हम क्या करेंगे आंसर क्या हमारा सिक्स और एम ए के वैल्यू क्या है वन एटी राइट तो मैक्सिमम कौन है इनमें से वन एटी ठीक है तो अभी हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आए जीरो पे जीरो पर आए तो ज़ीरो लेस देन ज़ीरो नहीं है नेगेटिव नहीं है ये वाला एलिमेंट तो यूवली स्वैप हम करेंगे नहीं तो अब क्या होगा मैक्स तो अभी यहाँ पे कंडीशन क्या होगी मैक्स ऑफ Uh, मतलब इतने के लिए इसको रहने रहने मतलब हमें पता ही है कि मैक्स है ठीक है तो मैक्स ऑफ ज़ीरो जीरो, जीरो कोमा पुरानी वैल्यू क्या है वन एटी इंटू क्या ज़ीरो तो जीरो और कॉमा ज़ीरो ही रहेगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे भी सिमिलरली मिनिमम ऑफ ज़ीरो कोमा पुरानी वैल्यू क्या है माइनस टेन इंटू ज़ीरो तो ये भी ज़ीरो हो गया और मैक्सिमम फिर क्या होगा वन एटी और ज़ीरो में से मैक्स क्या है वन एटी है राइट फिर हम टू पे आए तो सेम यही हो जाएगा कि टू और यहाँ पे भी वही टू ज़ीरो प्रीवियस वैल्यू है इंटू टू तो मैक्सिमम इसमें क्या है टू ठीक है और इसमें मिनिमम क्या होगा टू और प्रीवियस वैल्यू है ज़ीरो इंटू टू तो इसमें मिनिमम है ज़ीरो और हमारा यहाँ पे क्या होगा वन एट्टी मैं टू का मैक्स क्या होगा वन एटी रहेगा तो फाइनल हमने वन एटी रिटर्न कर दिया ठीक है तो अभी इससे एक वो भी क्लियर हो गया होगा अप्रोच लोग हमने स्वैप क्यों करा राइट पहली बार जब हमने स्वैप करा मतलब हम एम में हमेशा मैक्सिमम रख रहे हैं ठीक है तो पहली बार क्या हुआ था मतलब यहाँ पे सिक्स था सिक्स था फिर जैसे ही माइनस थ्री आया हमने स्वैप कर दिया हमने वो स्वैप करा पर दोनों पहले सिक्स थे तो पता नहीं चला बट स्वैप करा तो ये एक तो माइनस मतलब ये क्या हो गया स्वैप करा सिक्स इंटू माइनस थ्री ये माइनस एटीन हो गया और इसमें मिनिमम रखा था तो इसमें माइनस थ्री कोमा माइनस एटीन का मिनिमम क्या हुआ माइनस एटीन और इसमें क्या हुआ था माइनस थ्री कोमा माइनस एटीन का मैक्सिमम इसमें था माइनस थ्री ठीक है तो अभी मतलब हमने फिर स्वैप करा राइट मैक्स फिर नेक्स्ट वैल्यू आई तो नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव आई तो हमने फिर से स्वैप करा तो स्वैप का रीज़न पता चला ना कि इसमें माइनस थ्री था और इसमें माइनस एटीन था तो माइनस एटीन बड़ा है ठीक है और माइनस एटीन मतलब माइनस एटीन छोटा है पर आगे वाला नंबर नम, भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा तो फिर वो पॉजिटिव बन जाते हैं तो मतलब जो नेगेटिव में जितना छोटा होगा वही मल्टीप्लाई करके बड़ा होगा राइट तो बस इसीलिए हमें स्वैप करना है जब भी नेगेटिव है तो बहुत ही सिंपल सा ही मतलब सोल्यूशन था एक बार खुद ट्राई करना और वो इससे क्लियर हो जाएगा ठीक है तो अब इसका कोड लिखते हैं तो सबसे पहले क्या रहता है हमेशा एच के हैंडल करो तो इफ़ एन मतलब एन क्या इफ़ एन इक्वल टू इक्वल टू जीरो मतलब कोई एलिमेंट है नहीं तो क्या करना है सिंपल से रिटर्न जीरो ठीक है और फिर हमने क्या करा था एम ए और एम आई करके दो वेरिएबल बनाए थे जिसमें क्या है एरे ऑफ ज़ीरो ही स्टोर कर लिया था ठीक है और फिर नेक्स्ट क्या था एक आंसर बनाया था जिसमें भी एरे जिसमें एरे ऑफ जीरो ही था अब फोर आई इन रेंज ऑफ कहाँ से शुरू करेंगे फर्स्ट इंडेक्स से क्योंकि बाकी में तो हमने स्टोर कर ही लिया पहला वाला तो ठीक है और यहाँ पे बस क्या कंडीशन थी इफ़ एरे ऑफ आई क्या लेस देन ज़ीरो है तो क्या कर दो एम ए एम आई इक्वल टू एम आई एम ई स्वैप कर दिया हमने ठीक है तो भाई थोड़ा सिंपली ऐसे कर दिया हैं तो ये हमने स्वैप कर दिया और फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या सिंपल सा कि एम ए में क्या मैक्मम ऑफ एरे ऑफ आई कॉमा एम ए इंटू एरे ऑफ आई ठीक है और सिंपली एम आई के लिए कर देंगे क्या करेंगे एम आई में मिनिमम रखेंगे तो मिनिमम ऑफ एरे ऑफ आई और एम आई इंटू एर आई और फाइनली आंसर क्या होगा आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो भी अपना आंसर है और एम ए और फाइनली हम क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे आंसर तो सिंपल सही है इसको रन कर लेते हैं एक बार और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं तो ये हो गया ये वाला तो इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है सिंपल सा एक फोर लूप लगा रहे हैं दिख ही रहा है उसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रहे तो सिंपल सा बिग ऑफ एंड राइट और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई इसकी और uh, ये वेरिएबल 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 बस और कुछ है नहीं तो बिग ऑफ वन ठीक है और ये हमारे सारे टेस्ट केस भी पास हो गए तो बस सही है सो यार ट्राइड बाय योरसेल्फ एंड हैप्पी कोडिंग बाय बाय